बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ये हमारी सेलेना कौन साइज बुक है। इसमें प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे, आज इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6, और आपको इन जो भी हमारे प्रीवियस सभी लेक्चर्स हैं उन सभी लेक्चर्स का लिंक चैप्टर नंबर 10 की प्ले लिस्ट में मिलेगा, और अदर चैप्टर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी चैप्टर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप किसी भी चैप्टर को कर सकते हैं। सेलेना कॉन्साइज पर हमने कंप्लीट बुक कर चुके हैं, तो यहाँ पर आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसका 6 क्वेश्चन इसमें बोल रहा फाइंड द 5 नंबर्स इन एपी। ये हमने बेसिक आपको बताया था कि 5 नंबर्स हम किस टाइप सेलेक्ट करेंगे, ए ए प्लस डी ए प्लस 2d, और इससे पहले ए से पहले ए माइनस डी एंड ए माइनस 2d, ये 5 नंबर्स। और कह रहा है कि टू सम इज 12 1 बाय 2, इन सभी का सम अगर हम करें कितना आएगा सम, इन सभी का सम होगा 12 1/2। आप इन सभी का सम करो, देखो इसमें डी कैंसिल हो रहा होगा, अगर हम इन सभी का सम करते हैं इन सभी का सम है 12 1/2 मीन्स 25 बाय 2। 2d से 2d कैंसिल, ये माइनस डी से प्लस डी कैंसिल, ये जाएगा 5a इक्वल्स टू में कितना होगा 25/2। 5 से इसको कैंसिल कर लो, a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 बाय 2। ओके, 5 बाय 2 का मीन्स क्या है, 2.5 है हमारा। अब यहाँ पर देखेंगे ये हो गया हमारा a की वैल्यू, अब हम देखते हैं इसमें डी की वैल्यू। डी की वैल्यू के लिए इसने बोला है द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द लास्ट इज 2:3। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का रेशियो, फर्स्ट है हमारे पास a माइनस 2d एंड लास्ट है a प्लस 2d, इन दोनों का रेशियो इसने बोला है। ऑल्सो हम यहाँ पर ले सकते हैं इन दोनों का रेशियो, क्या है दोनों का रेशियो, 2:3। ओके, 2:3 है। अब आप यहाँ पर a का यूज कर सकते हो, ए के प्लेस पर आप 5 बाय 2 कर लो कुछ, लेकिन ए अभी 2 टाइम्स है, मीन्स 2 प्लेसेस पर है, तो आप इसको सिंगल प्लेस पर कर लो सबसे पहले, फिर ए की वैल्यू पुट करेंगे हम 5.2। यहाँ पर करेंगे कितना हो जाएगा, 3a माइनस 3 2 6d इक्वल्स टू में 2a प्लस 2 2 4d। अब आप देखो 2 को इधर लेके आओ, यहाँ पर 3a माइनस 2a इक्वल्स टू में यहाँ पर 6, यहाँ पर 6d प्लस 4d, यहाँ पर ये एक्वल्स टू में 10d, ये होगा। अब a के प्लेस पर अगर आप पुट कर लेते हो 5 बाय 2, देन d की वैल्यू क्या होगी, देखो d की वैल्यू क्या होगी, 10 इधर डिवाइड में लेके आओगे मल्टीप्लाई से, 5 से कैंसिल करोगे, आएगा कितना 2, नीचे आ गया 1/4, और 1/4 को आप क्या कह सकते हो, 1/4 को कह सकते हो 0.25। ओके, ये हो गया। अब अगर आपको इसमें नंबर्स चाहिए तो क्या होंगे नंबर्स, इसने बोला है यहाँ पर कि भी हमारे पास नंबर्स क्या होंगे, हमने नंबर सिलेक्ट किए हैं 5 नंबर्स, तो अगर आपने 5 नंबर सिलेक्ट किए हैं और आपके पास क्या है, ए की वैल्यू क्या आ रही है 5 बाय 2 मीन्स 2.5 भी कह सकते हो, एंड डी की वैल्यू क्या आ रही है 0.25, देन हमारे पास फर्स्ट नंबर जो होगा हमारा ये क्या है, a माइनस 2d, ये किससे इक्वल होगा, a माइनस 2d ये इक्वल होगा ए की वैल्यू 2.5 माइनस 2 इंटू 0.25, कितना आ रहा है देखो आप, यह आ रहा है 2.5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे अगर इसको तो कितना आएगा, ये आएगा 0.50 ही आएगा ये। ओके, ये हो गया हमारा 0.50। अब आप इसको माइनस करो 2.5 में से, 2.5 में से माइनस करोगे तो यहाँ मिलेगा ओनली 2, क्योंकि 2.50 ही तो है, यहाँ मिलेगा आपको सिंपल 2। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है, वो क्या है हमारा a माइनस d, a माइनस d के लिए आप a के प्लेस पर 2.5 और d के प्लेस पर क्या माइनस करोगे 0.25 माइनस कर रहे हो तो 2.25 मिलेगा आपको, क्यों, क्योंकि ये 2.50 है, इसमें से माइनस कर दो 0.25, तो ये आ जाएगा हमारा 2.25। नेक्स्ट a, ए की वैल्यू तो है हमारे पास 2.5, तो ये इसके 3 टर्म्स हो गए आपको 5 टर्म्स, और नेक्स्ट वाला टर्म होगा हमारा ए प्लस डी। ए प्लस डी में देखो आप क्या करोगे, ए प्लस डी में हम सिंपल क्या करेंगे, ए की वैल्यू 2.5 और डी की वैल्यू 0.25, दोनों का ऐड करेंगे 0.275। ओके, फिर हम नेक्स्ट
ए प्लस टू डी करेंगे, ए की वैल्यू 2.5 प्लस ट्वाइस इंटू डी, डी की वैल्यू 0.25। अब आप इसको सोल्व कर लो, ये 2.5 टू से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0.50, इन दोनों को ऐड करोगे आएगा 3। तो हमारे पास टर्म्स क्या आ गए, 2, 2.5, फर्स्ट टर्म 2 आ रहा था, फिर 2.5 आ रहा था, फिर आया हमारा 2.25 है, फिर हमारा 2.5, फिर है हमारे पास कितना 2.75 और ये 3। ये सभी इसके टर्म्स हो गए हैं सिंपल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ओके सिंपल था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे ही सेम आप क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, ए और डी की वैल्यू फाइंड करने के बाद इनमें ए और डी पुट करना है, आपके पास ये नंबर्स आ जाएंगे सिंपल। नेक्स्ट देखो आप, तब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोल रहा है स्प्लिट 207 इनटू 3 पार्ट्स सच दैट दीस पार्ट्स आर इन ए बी। 3 पार्ट सिंपल हम लेट करते हैं, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। ये हमने स्टार्टिंग में बेसिक में किया इसका। अब हमारे पास ये 3 पार्ट्स है, तो आप कह सकते हो कि इन सभी का सम क्या होगा, ए ए माइनस डी, ए प्लस ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, इन तीनों टर्म्स का सम कितना होगा 207, क्योंकि 207 को स्प्लिट करके ये हमारे पास आया है। ओके माइनस डी प्लस डी कैंसिल में, यहाँ पर 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 207। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे कितना आएगा, 3 6 18, 2 कैरी, 3 9 27, ए की वैल्यू आ गई 69। नाउ एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू स्मॉलर पार्ट्स, टू स्मॉलर पार्ट्स का प्रोडक्ट कितना है, स्मॉलर पार्ट्स हम ये वाली स्टार्टिंग वाली वैल्यू लेंगे, इनका प्रोडक्ट कितना है 4 6 2 3। ओके 4 6 2 3 है इनका सम, कितना होगा 4 6 2 3 इनका सम कितना होगा भाई, ये हो जाएगा सिंपल ए माइनस डी एंड ए, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 4 6 2 3, ये 4 6 2 3 हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, आप क्या कर सकते हो, ए से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर पहले ए की वैल्यू पुट कर लो 69 माइनस डी, एंड यहाँ पर भी 69 हो गया है इक्वल्स टू 4 6 2 3। अभी जो 69 है, क्या ये इस 4 6 2 3 को डिवाइड कर रहा है, अगर कर रहा है तो ये सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा 69। अब 69 से इसको डिवाइड करो कितना आएगा, देखो तो यहाँ पर अगर हम 69 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, देखो 69 3 के टेबल 3 से कैंसिल कर, 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 से कैंसिल किया अगर हमने, 3 1 3, फिर 1 कैरी 3 5 15, 1 कैरी 3 4 12, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, अगेन 23 से अगर कैंसिल करें हम तो कितना होगा, अगेन 23 से कैंसिल करें कितने टाइम में कैंसिल होगा 23 23 5 6 7, 7 टाइम्स में देखें अगर हम, 7 3 20 1 2 7 2 14 1 16, नहीं आ रहा तो 6 टाइम में देख करेंगे हम इसको 23, अगर हम 6 टाइम में करते हैं तो 6 3 18 का 8 1 कैरी, 6 12 1 13, यहाँ पे 14 में से 8 कैंसिल करेंगे, माइनस करेंगे 6 एंड 4 में से 3 1, और ऊपर से जाएगा 1। अब आप देखो इसमें 7 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, इसका मीन्स ये कैंसिल हो रहा है टोटल 67 टाइम्स में। ओके यहाँ पर आ रहा है 69 माइनस डी, आपको डी की वैल्यू चाहिए, आप 69 को इधर लेके आ जाओ, ये क्या हो जाएगा माइनस 69 और डी इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस डी, डी की वैल्यू जाएगी 2, डी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू क्या आई, अभी हमने 69 फाइंड की थी ए की वैल्यू, ठीक है ए की वैल्यू 69। देन आपको अगर क्या चाहिए, ये नंबर चाहिए तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा, ए की वैल्यू 69 है, इफ ए इक्वल्स टू 69 एंड डी इक्वल्स टू क्या है अभी हमारे पास 2। देन हमारे पास ए माइनस डी, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 69 माइनस 2 मीन्स 67, फिर ए है थर्ड सेकेंड नंबर, ये 69 ही रहेगा। थर्ड है हमारे पास ए प्लस डी, ये 69 प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 71। तो ये हो गया हमारे पास नंबर 67, 69 एंड 71। ओके ये 3 नंबर्स होंगे हमारे पास 67, 69 एंड 71। ये आ रहा है इसका आंसर, सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें जो 2 आंसर्स दे रखे हैं कि इन्हीं को रिवर्स करके दे रखा है, वो इस तरीके से रिवर्स करके दे रखा है कि वो ऐसा भी हो सकता है कि भाई डिक्रीजिंग ए पी हो, तो इस इन दोनों लास्ट वाले का प्रोडक्ट करोगे उससे जो ए पी मिलेगी, जैसे हम यहाँ पर फर्स्ट 2 का प्रोडक्ट कर रहे हैं ए माइनस डी और ए का, तब हमें डी की वैल्यू मिल रही है 2, लेकिन अगर आप ए और ए प्लस डी का प्रोडक्ट करोगे तो तब हमें डी की वैल्यू माइनस 2 मिलेगी,
उस केस में यही रिवर्स हो जाएंगी वैल्यू, पहली वैल्यू 71 हो जाएगी, फिर 69 67। तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है दोनों ही आंसर्स बताने आपको। ओके नेक्स्ट देखो आप, 8th क्वेश्चन बोल रहा है, द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन एपी इज 15। अब थ्री नंबर वाला तो हमने केस काफी टाइम कर लिया है, थ्री नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी। और ये कह रहा है कि सम ऑफ थ्री नंबर्स अगर हम सभी का सम करेंगे तो कितना आ रहा है, 15। डी से डी कैंसिल हो जाएगा तो 3a इज इक्वल्स टू 15 एंड a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 35 15। ओके द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स इज, एक्सट्रीम टर्म्स मीन्स होते हैं ये कॉर्नर वाले टर्म्स, इन सभी इन दोनों का क्या है, स्क्वायर्स ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स मीन्स ये जो एक्सट्रीम टर्म्स है इनके स्क्वायर्स का सम करना है आपको, दोनों का किया स्क्वायर, इसका भी इनका सम कितना आएगा, 58। फाइंड द नंबर्स, तो आपको नंबर फाइंड कर लिया, यहाँ पर हम करेंगे इसको सोल्व। आप यहाँ पर 5 ले सकते हो, 5 माइनस डी होल स्क्वायर, और यहाँ पर ए के प्लेस पर 5 पुट करेंगे, 5 प्लस डी होल स्क्वायर प्लस 58। अब आप इसमें होल स्क्वायर यूज कर लो, ए स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस डी स्क्वायर डी का स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab करेंगे, 2 × 5 × 10 ये जाएगा 10d, प्लस इसमें लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये जाएगा 25 प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 10d प्लस 58। ओके अब आप इसमें कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल हो रही है कुछ वैल्यू, यस माइनस 10d प्लस 10d कैंसिल हो रहा, 25 25 50 होगा, प्लस करेंगे हम d² 2d² होगा इक्वल्स टू में 58। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसमें 2d² 58 माइनस 50, 2d² 58 माइनस 58, d² 2 × 4 = 8, d की वैल्यू स्क्वायर रूट में 4 ये हो जाएगा प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2 हो गया, a की वैल्यू हमारे पास 5 आई थी, इफ a इज इक्वल्स टू 5 एंड d इज इक्वल्स टू प्लस 2, देन हमें थ्री टर्म्स फाइंड करने हैं, थ्री नंबर्स फाइंड करने हैं, और थ्री नंबर्स हमने a माइनस डी, a और a प्लस डी लेट किए थे, बस इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट वाला क्या होगा, a माइनस डी, 5 माइनस 2 मीन्स 3, सेकंड वाला a है, सेकंड वाला 5 ही रहेगा, थर्ड वाला a प्लस डी है, तो यहाँ पर 5 प्लस 2 इक्वल्स टू a, 5 प्लस 2 कितना होगा, 7। नंबर्स क्या हो जाएंगे, 3 5 एंड 7, 3 5 7, तो बस सिंपल ही हो गया इसका, 3 5 7। और दूसरे से जो हमारा आंसर मिलेगा, एंड इफ a इज इक्वल्स टू 5 एंड d इज इक्वल्स टू माइनस 2, अगर d माइनस 2 रहा तब यही वैल्यू रिवर्स हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर इसमें हम a माइनस d फाइंड करेंगे तब a माइनस d की वैल्यू फिर माइनस 2 ये हो जाएगा 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू 5 ही रहेगी, लेकिन a प्लस d कितना होगा, a की वैल्यू 5 प्लस d की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगा, 5 माइनस 2 3 ये जाएगा 7 5 एंड 3। ओके ये हो जाएगा सिंपल हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये इसी टाइप के सिंपल क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड फोर नंबर्स इन एपी। अब फोर नंबर हम किस टाइप से लेट करते हैं, फोर नंबर लेट करते हैं ए माइनस डी ए प्लस डी, इसके बाद ए प्लस 2d लेंगे, ए प्लस 3d लेंगे, और इसके बाद ए माइनस 2d लेंगे, ए माइनस 3d लेंगे, ये फोर नंबर्स हमारे हो जाएंगे। ओके तो हम ऐड करेंगे फोर नंबर्स भी, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d। अभी कह रहा है कि वो सम इज 20, इन सभी का सम कितना है, 20 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम क्या करते हैं, इन सभी का सम करते हैं तो d कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा आपको 4a इज इक्वल्स टू 20, ए प्लस 3d ये कितना होगा 20, डी से डी कैंसिल, ये माइनस डी से प्लस डी कैंसिल, यहाँ पर ही 4a होगा इज इक्वल्स टू 20 और a की वैल्यू क्या होगी, 4 5 20। ओके अब अगर हमारे पास a की वैल्यू 20 हो गई, देन हम क्या करेंगे, सम ऑफ दी हूज स्क्वायर्स इज, इनकी स्क्वायर्स का सम, और वो भी सभी का सम ऑफ हूज स्क्वायर्स इज, इन सभी का स्क्वायर करो और उनका सम कर दो, ये बोल रहा है सम ऑफ हूज स्क्वायर्स इज, ये फोर नंबर्स हमारे पास, इन सभी फोर नंबर्स का स्क्वायर करना और इनको सम कर देना है, इस टाइप से हम क्या करेंगे इनके स्क्वायर्स और उनको ऐड कर देंगे। ओके कितना आएगा, 120। अब आप इसे सोल्व कर लो, अगर इसको अब हम सोल्व करते हैं तो क्या कर सकते हैं, क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर भाई इसमें हम
सोल्व भी करना पड़ेगा इसमें क्या होगा, इसमें लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3d का स्क्वायर करेंगे जब हम क्या मिलेगा 9, 3 का 9 और d का d स्क्वायर, माइनस 2ab जब हम करेंगे 2 इंटू में a इंटू में 3d तब मिलेगा आपको 2 3 6 और यहाँ पर ए डी प्लस सेम एज इट इज, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह डी है तो डी स्क्वायर, माइनस 2ab करेंगे तो 2ad हो जाएगा, प्लस इसमें कैसे करेंगे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab करेंगे तो यहाँ पर 2ad, सेम इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3d का स्क्वायर करेंगे 9d स्क्वायर, प्लस 2ab करेंगे 6ad हो जाएगा इक्वल्स टू में 120। अब आप माइनस कर लो 6ad से 6ad, 2ad से 2ad कैंसिल। अब यहाँ पर देखो ए ए ए और ए 4 टाइम्स है तो 4a स्क्वायर 9d या d स्क्वायर 10d स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी d स्क्वायर और d स्क्वायर 10 और 10 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 120। 4 कॉमन लेंगे ए स्क्वायर प्लस 4 5 से 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 120। 4 से इसको कैंसिल कर लो ए स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर 4 3 से 12 ये 30 हो जाएगा। ओके लेकिन हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है, कितनी है ए हम फाइंड कर चुके हैं क्या 5। ए की वैल्यू अगर 5 आ गई है तो आप यहाँ पर 5 पुट कर सकते हो, देन आप इसमें डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ये कितना होगा 30, ये होगा 25 प्लस 5d स्क्वायर इक्वल टू में 30, 25 माइनस कर दो इसमें। ओके 25 माइनस करेंगे इधर ये जाएगा 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 1, डी की वैल्यू रूट में 1 और 1 क्या होगा बाहर आकर प्लस माइनस 1, इसका मीन्स इसकी टू वैल्यूज हो गई प्लस माइनस 1। अगर इसकी टू वैल्यूज हो गई प्लस माइनस 1 इफ ए इजिकल्स टू क्या ले रहे हैं हम 5 एंड डी इजिकल्स टू क्या ले रहे हैं प्लस 1। ओके इजिकल्स टू 5 एंड डी इजिकल्स टू प्लस 1 ले रहे हैं, हमें 4 नंबर्स बताने हैं, 4 नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये 4 नंबर्स हो जाएंगे। फर्स्ट होगा हमारे पास ए माइनस 3d, इसी के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू 5 है, माइनस 3 इंटू डी, डी की वैल्यू अगर 1 है तो 5 माइनस 3 कितना जाएगा 2। फिर हमारे पास ए माइनस डी मीन्स 5 माइनस 3, डी की वैल्यू क्या है डी की वैल्यू 1, 5 माइनस 1 ये कितना होगा 4। फिर हमारे पास ए प्लस डी 5 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 6। फिर यहाँ पर क्या है हमारे पास ए प्लस 2d, 2d नहीं 3d, यहाँ पर कितना होगा 5 प्लस 3, डी के प्लेस पर 1 है 3 हो जाएगा 8, क्योंकि 5 प्लस 3 8। ओके एक जीपी तो ये बन रही है हमारी 2 4 6 8, और ए किसी का रिवर्स बनेगी कब, अगर हम ए की वैल्यू क्या लेंगे 5 एंड डी की वैल्यू क्या लेंगे माइनस 1। अब अगर हम इसमें टर्म्स फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म है ए माइनस 3d, ये वैल्यू कितनी आएगी 5 माइनस 3 डी के प्लेस पर माइनस 1 हो जाएगा 5 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 8, एंड ए प्लस ए माइनस डी ये कितना होगा 5 माइनस डी के प्लेस पर कितना माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा 6, तो 8 6 4 2 इस टाइप से आ रही होंगी वैल्यू। ए प्लस डी ए की वैल्यू 5 प्लस डी की वैल्यू माइनस 1 यहाँ पर 4 आ जाएगा, सेम एज इट इज ए प्लस 3d करेंगे यहाँ मिलेगा 2, कैसे 5 प्लस 3 और d की वैल्यू माइनस 1 करेंगे 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, ये आ रहा 8 6 4 2। ओके ये इसके दोनों आंसर्स हैं। सिंपल क्वेश्चन नंबर क्या था ये हमारा 9, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि इंसर्ट वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन, अर्थमेटिक मीन के लिए हमने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताया क्या, अर्थमेटिक मीन के लिए आप क्या करो दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय कर दो 2। अर्थमेटिक मीन का मीन्स ये है कि भी इसके बीच में कैसा नंबर रख दो आप कि वो तीनों आपस में क्या बन जाए ए भी बन जाए। देखो अब आप इसको रखकर देखना कि जो वैल्यू आ रही है 13 प्लस 3 16 होता है, 14 कैसे कर दिया तो 2 8 16। ओके 8 मीन्स 3 8 और 13 इनको देख लो ये ए पी फॉर्म कर रहे हैं, कैसे 8 माइनस 3 5 आ रहा है, 13 माइनस 5 13 माइनस 8 5 आ रहा है, इसका मीन्स ये ए पी है। ओके ये करना था सिंपल क्वेश्चन नंबर 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, तब देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है। बोल रहा है एंगल्स ऑफ पॉलीगन्स आर इन ए पी,
एंगल्स हैं और वो क्या है हमारे एपी में है किसी पॉलीगन के, विद कॉमन डिफरेंस 5, इफ दिस स्मॉलेस्ट एंगल इज 120। जो हमारे पास पॉलीगन है इसका स्मॉलेस्ट एंगल 120 है, लेकिन हमें ये नहीं पता इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, आपको नंबर ऑफ साइड्स बतानी है इसमें कितनी होगी। और उसने ये भी कहा कि इसका स्मॉलेस्ट एंगल 120 है और डिफरेंस कितना है एंगल्स में 5 का, इसका मीन जिससे जो बड़ा एंगल होगा 125 का होगा 130 एंड सो ऑन। एपी फॉर्म कर रहा होगा क्योंकि 5 5 ऐड कर सकते हो, 5 5 डिफरेंस है इसमें। तो आप देख सकते हो इन सभी का सम कितना होगा, इंटीरियर एंगल्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है हमारा, ये होता है एन माइनस टू इंटू में 180। ये फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल फाइंड करने का, ये 9th क्लास में देखा था रेक्टिलिनियर फिगर में। रेक्टिलिनियर फिगर्स में हमने देखा था कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स अगर हमें फाइंड करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्यों, जैसे ट्रायंगल में सम 180 होता है, कितनी साइड होती है 3, आप यहाँ पर 3 पुट करके देख लो 180 आएगा सम, 4 पुट करके देखो आप 360 आएगा, 3 पुट करके देखो 540 आएगा एंड सो ऑन। तो ये जो सम है ये क्या है, इन सभी एंगल्स का सम, ऑल इंटीरियर एंगल्स। और देखो ये क्या बन रही है, एपीयू बन रही है, और एपी के अकॉर्डिंग सम क्या होता है, एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आप इसमें नंबर ऑफ साइड्स एन ऐड कर लेते हैं तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो इसमें टोटल सम फाइंड करने का इन सभी टर्म्स का। तो हम क्या करेंगे, ये वाला सम और ये वाला सम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, वैल्यू हो जाएगी हमारी कैसे, एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस ये जो हमने रिलेशन बनाया इसके हेल्प से भी सम फाइंड हो रहा है और इसके हेल्प से भी सम फाइंड हो रहा है, तो इसका मीन्स ये इक्वल होंगे। अब आप क्या कर लो, यहाँ पर ए डी की वैल्यू पुट कर लो, एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लो कैसे। तो यहाँ पर देखो एन तो हमें फाइंड करना है, एन की वैल्यू नहीं है हमें पता, ए की वैल्यू है 120 प्लस एन फाइंड करना है एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 5 इक्वल्स टू, एन हमें नहीं पता, एन माइनस 2 इंटू 180 रहने देंगे। अब आप क्या करो, देखो ये एन एन ही रहने दो आप, ये कितना हो जाएगा 240 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करोगे 5n माइनस में 5 इक्वल्स टू में जो 2 है डिवाइड में, ये क्या हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये n माइनस 2 इंटू में 180 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 360। यहाँ पर n इन दोनों को माइनस करोगे आप कितना होगा 235 प्लस में 5n इक्वल्स टू में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 360n माइनस 720। ओके एन से मल्टीप्लाई करो 365n प्लस 5n स्क्वायर इक्वल्स टू में 360n माइनस 720 ये होगा। अब आप क्या कर सकते हो, इन सभी वैल्यूज को उधर लेके आ सकते हो, यहाँ पर कितना होगा 5n स्क्वायर, ये प्लस का 235n आ रहा है और ये माइनस का 360n होगा और माइनस का ये इधर आकर प्लस हो जाएगा 720 इक्वल्स टू में 0। अभी फाइनल हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, देखो अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, इसको सॉल्व कर लेंगे हम 5n स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस होंगे, माइनस करके कितना आ रहा है देखो, ये आ रहा है 65, ये 125 आ रहा है मे बी, अगर हम इसे माइनस कर रहे हैं कितना आ रहा है 10 में से 5, 5 में से 3, 2, ओके करेक्ट है। फिर हमारे पास यहाँ पर मिलेगा 720 इक्वल्स टू में 0, आप 5 से डिवाइड कर लोगे सभी को तो एन स्क्वायर, यहाँ पर 5 से डिवाइड करोगे 25n और यहाँ पर 5 से डिवाइड करोगे 5 1 5 2 कैरी 5 4 20 एंड 5 4 20 144। अब हमारे पास क्या हो गया 144, आपको क्या करना है 144 के फैक्टर प्लस करने पर 25 आए, 12 इंटू 12 भी होता है 144 लेकिन प्लस करके 25 नहीं आ रहा, तो क्या फैक्टर लेंगे आप, तो चेंज करेंगे कुछ कैसे, अगर हम इसे 4 3 जब बोले और यहाँ पर इसको 4 3 जब बोले हैं तो 6 एंड 9, यहाँ पर लेंगे हम 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 हो रहा है हमारा 25। यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल्स टू में 0, एन कॉमन लेंगे एन माइनस 16 माइनस 9 कॉमन लेंगे एन माइनस 16 इक्वल्स टू में 0, यहाँ पर एन माइनस 16 और यहाँ पर एन माइनस 9 इक्वल्स टू में 0, एन इजिकल्स टू होगा 16 और एन इजिकल्स टू होगा यहाँ पर 9। ओके ये वैल्यूज होंगे इसमें एन इजिकल्स टू 16 एन इजिकल्स टू 9। अब n इज इक्वल्स टू 16 और n इज इक्वल्स टू 9 में से लेंगे क्या, क्या आप दोनों ले सकते हैं, तो आप इसमें से बताओ कि हम इसमें से n की वैल्यू क्या लेंगे,
दोनों ले सकते हैं भाई, एन की वैल्यू 16 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 भी लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है इफ ए अपॉन बी, बी वन अपॉन बी एंड वन अपॉन सी, अपॉन ए वन अपॉन ए वन अपॉन बी एंड वन अपॉन सी आर इन एपी। अगर ये एपी में है देन आपको शो करना है कि ए भी एपी में होगा। कैसे शो करेंगे कि भी ए भी एपी में होगा? बी सी इक्वल्स टू सी ए तो इक्वल नहीं होगा, ए पी फॉर्म कर रहे होंगे एंड ए बी, ये इक्वल ए पी कब फॉर्म कर रहे होंगे जब इनका डी सेम आ रहा होगा। मीन्स इन दोनों से डी अगर हम निकालें तो ए टू माइनस ए वन, दोनों में कॉमन आ रहा है सी तो ए माइनस बी। फिर अगर हम डी निकालें ए थ्री माइनस ए टू से तो कितना आ रहा है, ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बी माइनस सी। अगर ये दोनों वैल्यूज हमने इक्वल शो कर दिए तो क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारे क्या होंगे ए बी में होंगे। तो इसके हेल्प से करेंगे हम, यहाँ पर अगर हम डी देखें ये वाला जो डी होगा वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए से जो डी फाइंड होगा वो किसके इक्वल होगा, वन अपॉन सी माइनस वन अपॉन बी के। देखो हमारे पास गिवन ही है, यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं हम ये गिवन है, देन ये इम्प्लाई करेगा कि दोनों का डी सेम होगा, ए टू माइनस ए वन और ए थ्री माइनस ए टू इक्वल होगा। आप इसे करोगे ए बी यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी, यहाँ पर क्या करोगे बी सी, बी सी तो यहाँ क्या कितना हो जाएगा बी माइनस सी, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे सेम इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब हमसे एलसीएम नहीं लेना है कभी भी तो क्या करना है, सिंपल डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई और फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ओके ये सिंपल एलसीएम हो जाएगा। अब आप देखो इसमें भी अगर हम इसको इधर लेके आए, क्योंकि हमें शो क्या करना है, देखो हमें शो करना है सी ए माइनस बी, ये वाला जो टर्म है ये किसके इक्वल होगा, ये वाला डी इसके इक्वल होना चाहिए ए बी माइनस सी के। यहाँ से देखो बी से बी कैंसिल हो रहा है, क्या था यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर बी से बी कैंसिल हो रहा है, बच रहा है ए, यहाँ ए बच रहा है और यहाँ पर सी। आप इसको इधर लेके आओगे तो सी ए माइनस बी हो रहा है किसके इक्वल, ए बी माइनस सी के। तो अगर ये है तो ये इम्प्लाई करेगा, हैंसम कह सकते हैं क्या, बी सी सी ए एंड ए बी आर इन ए पी, बस ये शो करना था। ये कब होंगे ए पी में, जब ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो ये क्या हो गए आर इन ए पी, बस सिंपल ये कह सकते हो आप कि अगर आपने ये शो कर दिया तो आपने दिखा दिया कि भी इनका डी सेम है और डी सेम है तो ये ए पी में है। सिंपल ये है इसमें फंडा जो भी है हमारा करने का। ओके तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12, सिंपल क्वेश्चन नंबर 12 था। ये एक्सरसाइज हमारी 10 डी कम्प्लीट हो जाती है, ऐसे ही नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इसमें 10 ई, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और काफ़ी हमें इसमें भी बनाने में इनको लेक्चर रिकॉर्ड करने में काफ़ी एफर्ट लगता है। तो आपको अगर हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।